सो आज की हमारी रेसिपी है मटकी की करी। उसके लिए हमें चाहिए, मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी स्प्राउटेड मटकी ली है। मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बारीक कटा हुआ प्याज, ग्रेटेड कोकोनट, हरा धनिया, कड़ी पत्ता, लहसुन अदरक और हरी धनिया की पेस्ट। अब हम एक कढ़ाई में 1 छोटी चम्मच तेल डाल के उसमें जीरा डाल के 1/2 छोटी चम्मच हल्दी मिक्स कर लेंगे। फिर उसमें हम डालेंगे स्प्राउटेड मटकी। इसको इस तेल में 1 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। फिर इसके ऊपर ढक्कन रख के 1 मिनट इसको पकने देंगे। 1 मिनट के बाद हम इसमें पानी डालेंगे और फिर 2 मिनट इसको पकने देंगे। 2 मिनट के बाद ये हाफ़ कुक मटकी पक गई है, हाफ़ कुक है। अब हम मसाला तैयार करेंगे। देखो पूरी तरह से नहीं पकी है। मसाले के लिए हमें कढ़ाई में प्याज डाल देंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और उसको गोल्डन कलर होने तक पकने देंगे। फिर उसमें डालेंगे ग्रेटेड कोकोनट, उसको भी सुनहरा होने तक पकने देंगे। फिर इसको ठंडा होने के बाद एक मिक्सी में निकाल लेंगे। फिर उसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च और इसकी पेस्ट बना लेंगे पानी डाल के। अब एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालना है, उसमें पेस्ट डालना है जो अभी हमने बनाई, उसको अच्छे से 2 मिनट तक पकने देना है ऑयल सेपरेट होने तक। फिर उसमें डालेंगे पेस्ट, धनिया लहसुन और अदरक की पेस्ट। फिर बाद में मसाले, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी और गरम मसाला 1 चम्मच। मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे 1 मिनट तक। फिर कड़ी पत्ता, अभी इसमें हम डालेंगे हाफ कुक मटकी। पानी निकाल लेना है, पहले थोड़ा उसमें हाफ कुक मटकी डालना है। इसको अच्छे से 1 मिनट तक पकने देना है। फिर हम इसमें डालेंगे पानी, मैंने वही पानी यूज़ किया है जिसमें मटकी पकी थी, वही पानी का यूज़ करूँगी मैं। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। फिर उसमें हम नमक ऐड करेंगे और यहाँ पे मैंने एक रोस्टेड चना दाल का पाउडर लिया है 1 चम्मच, उसमें मैं पानी डाल के ये ग्रेवी में मिक्स करूँगी। इससे ग्रेवी गाढ़ी होती है, अच्छे से ग्रेवी को अच्छा टेक्सचर आता है। ये देखो अब इसको हम उबाल आने देंगे 5 मिनट तक। ये ऑयल साइड से सेपरेट हुआ है, कलर भी बहुत अच्छा आया है और हमारी मटकी भी पक के तैयार है। ये देखो अब इसको हरे धनिए से गार्निश करेंगे। ये हमारी मटकी की करी तैयार है। आप इसको राइस के साथ, रोटी के साथ खा सकते हो, हेल्दी भी है। सो आपको मेरे रेसिपीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी लिख के बता सकते हो कि आपको रेसिपी कैसी लगी।